टाइगर मूवमेंट करेगा, अदर्स एनिमल साउंड करेंगे। देखो निशान, देख लो टाइगर के। वैसे अपने टेरिटरी डिफाइन कर, इसको फॉलो करते हुए 423 लेपर्ड उसने मारे भाई। 423 लेपर्ड। मेरे को तो डर लग गया। चीता ना आ जाए। फीमेल टाइग्रेस क्या करती है, उसके साथ फेक मेटिंग करती है। एक टायर बीच में रखना, मतलब मेन यही रहता है, ये वाला जो दिख रहा है ना भाई। टाइगर की सर्च में हो गया है पंगा, हमारी जिप्सी फंस चुकी है भाई। ये हमको हिरन मिल गया, भाग गए यार ये तो। गाइस सबके भाव बढ़ रहे हैं भाई। तो भाई ट्री हाउस ऐसे रहते हैं भाई अंदर, ये देखो जिम कॉर्बेट के अंदर। तो गाइस गाड़ी अपनी लगा दी है यहाँ पे दोनों पार्क। अभी देखो यहाँ से फाटो जोन की एंट्री हो जाती है। भैया लेट तो नहीं पहुंचे ना हम? बैठे हैं? नहीं बस तो ठीक है। हमने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है, बट सामान ले लिया अपना खाने के लिए। और ये देखो बैग पूरा, ये सिटी भैया का भाई। फुल कैमरा, ये देख लो कैमरा, ये देखो भाई कैनन का। और लेंस देख लो इसका, टेलीस्कोपिक लेंस है। अभी इसको ढका हुआ है क्योंकि बारिश का टाइम है। हमारी सफारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देख रहा है ना आपको फोटो का गेट है, ये देखो सारी गाड़ियाँ लाइन अप होके लग चुकी है और अपने पीछे भी आ गई। ये देख लो एक तीन बजे के बाद। तो भाई लोग एंटर हो चुके हैं, ये देख लो भाई जंगल में जिम कॉर्बेट के में सफारी कर रहे हैं अपने साथ। यहाँ पर है भाई, ये भाई है ओम भाई है जो हमारे गाइड रहने वाले। और भाई की लुक देख लो, ये देखो क्या खतरनाक लुक बना रखी है भाई ने। और ये भाई है मुकुल भाई, हमारे ड्राइवर। तो भाई आज टाइगर दिखाओगे ना? सर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे लास्ट तक कि अच्छा अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे, टाइगर दिखे। बाकी नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, प्योरिटी सर किसी भी एनिमल का नहीं रहता कि बिल्कुल। और जंगल भी बड़ा बहुत है, जंगल भी बड़ा है। तो हम आपके साथ ही हैं इस बात में तो, बट दिखा देना यार। ये भी कोशिश करते हैं। टाइगर का ऐसा है ना सर, टाइगर कहीं डेंस में बैठा तो स्पॉट नहीं होगा। हाँ हाँ, टाइगर को देखने के लिए उसके जंगल के अंदर चलना जरूरी है, उसका मूवमेंट करना जरूरी है। टाइगर मूवमेंट करेगा, अदर्स एनिमल साउंड करेंगे। अच्छा, वो तो कॉलिंग होता है, वो अलार्म कॉल कहते हैं उसको। वही साउंड को अलार्म कॉल कहते हैं। वो हम लोग को मिल जाए तो टाइगर का लोकेशन पता लग जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी रहता है ना जैसे टाइमिंग जो रहती है टाइगर की, वो वहाँ से निकलता हो मूवमेंट की, राइट टाइम राइट प्लेस। हाँ, तो अभी इस टाइम में कोई है ऐसा टाइमिंग जिसमें कहीं से निकलता हो? है? वो कहीं पे भी बन जाता सर, राइट टाइम राइट। जैसे हम जा रहे हैं अभी आगे से टाइगर क्रॉस कर गया, इसे कहते हैं राइट टाइम राइट प्लेस, विदाउट कॉल के टाइगर दिखना। अच्छा हाँ सर, कल विदाउट कॉल के दिखा था मैं लेपर्ड। हाँ कल लेपर्ड दिखा था। तो वही है ना, अदर्स एनिमल नहीं होंगे तो विदाउट कॉल के दिख जाता है। अभी क्या है कि कॉल का थोड़ा कम रहेगा ना, क्योंकि बरसात के बाद क्या रहता है, टाइगर की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। टाइगर नॉकटर्नल है, रात को ज्यादा हंट करता है, तो बरसात के टाइम पे उसको थोड़ा फायदा हो जाता है कि वो दिन में भी हंट कर लेता है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ सर, स्मेलिंग पावर उसकी खत्म हो जाती है तो डियर स्मेल नहीं कर पाती, तो उससे उसको थोड़ा पॉइंट मिल जाते हैं कि हाँ वो दिन में भी कर सकता है। तो बरसात में बेनिफिट है, मतलब टाइगर देखने के ज्यादा चांसेस है? बरसात में सर थोड़ा कम भी रहता है क्योंकि अलार्म कॉल नहीं मिल पाती है इतनी ना, श्योर नहीं मिल पाती। जैसे मोस्टली डियर ही अलार्म कॉल करती है ना, स्पॉटेड डियर। अच्छा अच्छा, हाँ। बाकी देखते हैं मेटिंग के टाइम पे। अच्छा मेटिंग के टाइम पे मारते हैं ये देख लो भाई, पंजों के निशान देख लो टाइगर के। वैसे अपनी टेरिटरी डिफाइन करने के लिए ना दूसरे टाइगर। हाँ वो तो मुझे पता है, मतलब अपनी टेरिटरी बताने के लिए कि मेरी टेरिटरी में मत आ, तो इसलिए। अच्छा हाइट भी शो कर रहा है, शो कर रहा है, अपने नेल्स भी शार्प कर रहा है। वो भाई कितनी इसकी तो तगड़ी हाइट है, सात आठ फीट है ये देखना, ऊपर तक यहाँ तक है, ये इधर तक। अच्छा रैकेट टेल ड्रॉंगा थोड़ा, वो उसकी टेल थोड़ी लंबी थी ना, हाँ वो वाली थी, मिमिक्री बर्ड बोलते हैं उसको, तीस तरह की आवाज निकालती है भाई, इतनी तो हमारा ये भूचाल भी निकाल देता है। ये देखो फॉरवर्ड के टाइम का बैटरी है। अच्छा जी, फॉरवर्ड यही बैटरी, इसके नीचे बैठ के बीड़ी पीता था कॉर्बेट ने ही बीड़ी पिया इसके नीचे, देखो इसके नीचे बिल्कुल। हाँ इसी के नीचे, जैसे वो हेलमेट का स्कीन का था ना। हाँ कॉर्बेट का टाइम है भाई, देखना कॉर्बेट इधर बैठा था भाई, ऊपर लेपर्ड था वो, मुझे भाई उसकी जानी दुश्मनी होगी फिर लेपर्ड के साथ। किसकी? एडवर्ड की? हाँ कॉर्बेट की। हाँ एडवर्ड कॉर्बेट ही है वो, कॉर्बेट की होगी भाई। उसने बोला कि लेपर्ड ही नहीं छोड़ रहे अब, एक एक को चुन चुन के मारूंगा भाई। पूरी बरकरार रखी है और इसको फॉलो करते हुए 423 लेपर्ड उसने मारे भाई, 423 लेपर्ड। ये जो स्टोरी बताई है ना, ये एक्सक्लूसिव है पूरी वीडियो, और यहाँ सुनने में यहाँ कहीं और सुनने में नहीं मिलेगी, और ये एक्सक्लूसिव शॉट लिए जा रहे हैं आपको देखने के लिए। चलो जी चलते रहो गाइस। यार देखो टाइगर मिले ना मिले, फन पूरा आएगा यहाँ पे, ऑफ रोडिंग हो रही है एक नंबर की जिप्सी के साथ। तो अपनी जिमनी भी आने वाली है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा भाई जिप्सी जो कर सकती है ना चीजें, क्योंकि इसके लाइट वेट की वजह से हल्की होती है, कहीं से भी निकल जाती है।
बाकी भाई ने जो 80 टायर लगवा रखे हैं इसके अंदर, ओ हो 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 घूमगी पूरी। दीमक तो ये देख बहुत देख रखी लोगों ने, ये देखो टायर देखो यार, तुम दीमक तो देखते रहोगे। ये देखो खतरनाक तरीके से। स्पोटेड डियर की चलो, मेरे को तो डर लग दिया कहीं चीता ना आ जाए आगे तो फिर क्या करेंगे। तुमने डायलॉग सुना था हल्का साल की सेवा। हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, आए हमेशा तुम्हारी, आज मचेंगे जिम कॉर्बेट में भूचा। एक बात बताओ यार, कॉर्बेट था वो अपनी सेटिंग वेटिंग मिलाता हूँ यहाँ पे, जब ऐसे शौकीन आदमी लगा कॉर्बेट की तो सेटिंग नहीं थी, नहीं थी वैसा लग गया आजीवन आदमी। मुझे तो डर लग रहा है सेना आजकल सही है, मतलब अच्छा। हाँ क्या कह रहे थे ना कि डिकाला में दिखते हैं मैक्सिमम संख्या अच्छी है ना वहाँ पे। हाँ क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है कि हैबिटेट है ना सर। अच्छा, प्रॉपर रिवर है, रामगंगा रिवर, ग्रासलैंड है, बड़े बड़े ग्रासलैंड व्यू है। तो इधर भी है कि अंदर कोई बंगला वगैरह जिसमें स्टे कर सकते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी है। हाँ, है सर, ब्रिटिश टाइम के बने हैं, 8 जून है, 8 जून में बने हुए हैं ब्रिटिश टाइम। तो इसमें क्या एंट्री मतलब कैसे करानी पड़ती है वो सर? ऑनलाइन करानी पड़ती है। कितने दिन पहले? ढिकाला का तो सर जो रहता है 45 डेज पहले कराना पड़ता है प्री बुकिंग, और यहाँ पे 10 जून का वो 15 दिन पहले। अच्छा, 15 दिन पहले हो जाए। 15 दिन पहले दिखने का तो ये रहता है कि श्योरिटी कहीं भी नहीं देगा आपको कोई। हाँ, कि आपको मतलब बस यह कि चांस अच्छे रहते हैं। हाँ, काउंट ज्यादा होता है। हाँ, जैसे कॉर्बेट थे तो वो हंटिंग के लिए निकलते थे, तो उस टाइम तो व्हीकल वगैरह होते थे क्या? क्या था सिस्टम? व्हीकल और ऐसे रास्ते भी नहीं होते होंगे? हाँ, उस टाइम ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। ब्रिटिश टाइम के रास्ते हैं जिसमें हम ट्रैक में चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली फायर लाइन होती है जंगल में। जैसे अभी फरवरी मार्च अप्रैल में फायर भी लगती है ना जंगल में, फायर सीजन होता है, तो ऐसे स्पेस छोड़ा जाता है जंगलों में। तो क्या रहेगा कि बीच में स्पेस छूटा है तो इस जंगल में इनकेस आग लग गई तो इधर के एनिमल इधर, और कंट्रोल करने में थोड़ा वो जाता है, आसानी हो जाती है फायर को ना। जैसा ये कंट्रोल फायर कर लीजिए आप देख लेंगे तो ये अभी ब्लैक ब्लैक हो गया, ये रोड के साइड में कर देते हैं क्योंकि इलीगल ओपन एरिया है पूरा, हरिद्वार से नेपाल तक लग रहा है फॉरेस्ट, ना कोई बाउंड्री ना कोई फेंसिंग। तो इलीगल एक्टिविटी जो आती होंगी तो उससे क्या रहता है कि कभी कभी क्या रहता है डियर गर्मी में क्या रहता है ये पत्ते सारे पेट्रोल का काम कर रहे हैं, हल्का सा डियर के खुर स्टोन पे लगे तो उससे भी चिंगारी निकलती है। अच्छा, उससे भी आग लग जाती है। तो ये थोड़ा कंट्रोल फायर कर रहा जाता है ना। तो वो कॉर्बेट जो थे फिर वो व्हीकल वगैरह क्या किस तरीके का व्हीकल उस टाइम पे होता होगा कुछ ना कुछ व्हीकल उनके पास, या फिर ऑन फुट करते होंगे या फिर हॉर्स वगैरह। हाँ, हॉर्स। हाँ, वो कहीं मोगली तो नहीं थे पेड़ पे से पेड़ पे पेड़ पे कूदे हैं? अच्छा जवाब है, नाइस आंसर है। हो सकता है जितने भी मैनिटर टाइगर होते थे उनको मारने के लिए बुलाया जाता था उनको। अच्छा, उनको मारने के लिए, जैसे उनकी फेमस बुक है मैनिटर ऑफ कुमाऊ। तो भैया ना बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक जो मेटिंग होती है टाइगर और टाइग्रेस की, तो आप ही बताओ अब डिटेल में। रहता है ना जैसे फीमेल टाइग्रेस अपने बच्चे को सरवाइव करती ना 3 साल तक, तो क्या रहता है कि मेल टाइगर कभी उसकी टेरिटरी में घूमता है ना जैसे बच्चों को मारने के लिए, है ना, 10 मेल आ गया वो बच्चों को मारने, तो फीमेल टाइग्रेस क्या करती है उसके साथ फेक मैटिंग करती है। अच्छा, फेक मैटिंग? हाँ, फेक मैटिंग करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, इसको हम उसका सेक्रीफाइस कह सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एक माँ कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है, क्योंकि उससे क्या रहेगा ना अगर वो प्रेग्नेंट दोबारा हो जाएगी तो इतने बच्चों को सरवाइव नहीं करवा पाएगी ना। हाँ। तो खास बात यह है कि वो अबॉर्शन भी खुद कर लेती है। अच्छा। हाँ, कैसे? अपनी बॉडी में हीट लाती है, मैराथन करती है, कुछ ऐसी ग्रासेस खाती होगी जिससे वो अबॉर्शन हो जाता है। अच्छा। तो ये रहता है अपने बच्चों को बचाने के लिए जो फीमेल टाइग्रेस थी, ऐसे मतलब सेक्रीफाइस करती है जंगल के अंदर। भाई माँ तो माँ ही है, माँ तो माँ होती है सर। फोटो खींचा था इनका, नेशनल ज्योग्राफी में आया था वो फोटो ना। अच्छा। वो मदर और सिस्टर, ओ डॉटर, मदर और डॉटर का साथ में बैठी थी, मदर ऊपर और डॉटर नीचे उसका फेस। डॉटर के ऊपर गाड़ी क्या है? वो चीतल है, सांभर डियर है। चीतल तो हम 2 दिन से देख रहे हैं। कॉल वगैरह कुछ मूवमेंट नहीं था भाई और बहनों,
और उनके भाइयों आज ना हिरन दिखा ना शेर दिखा ना चीता दिखा ना कुछ दिखा, अब दिखेगी आपको ऑफ रोडिंग खतरनाक वाली जो हम दिखाते हैं अपनी वीडियोस में। ओके गाइस, तो दिखाते हैं आपको यहाँ पे खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग। रेन की वजह से ना ऑफ रोड ट्रैक्स बन चुके हैं गाइस, ये देखो तरीके नाल। ओ भाई स्लिप हो रही पूरी, तो ये भाई ये खतरनाक वाला, इसमें इसमें दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी। ये तो जिप्सी है, जिप्सी है तो कहीं से भी निकल जाती है। हम यहीं पे जिम कॉर्बेट में ही यहीं पे करेंगे कैंपिंग, शेर के साथ बैठ के बनाएंगे मटर मसलू। शेर आ क्यों नहीं रिया, तड़का लगा दे। भैया क्या कहना चाहोगे इसके लिए, दो कमेंट्स। भैया कह रहे हैं मैं भी सब्जी काट दूंगा जब सब चीज होंगी होंगी तो। ये ना रखी है एक टायर उधर डालना, अभी देख ऊंचाई आएगी, अभी तो कुछ नहीं है, एक टायर बीच में रखना, मतलब मेन यही गड्ढा है ये वाला जो दिख रहा है ना। आप ऐसा रखो बीच में एक टायर रखो और एक टायर राइट में रखो, टैंकी टैंकी कुछ नहीं लगेगी यार, एक राइट में डालो और बीच में है गड्ढा है बड़ा। बस खींच दो सिस्टम को भाई, लेके ले लो रेस दे के हल्की सी। ये देख गड्ढा है कि नहीं है, अब बता बस 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 प्यार से नहीं है गड्ढे की, पता था जब पड़ती है जब मुंह के बल गिरे नीचे गाड़ी। यहाँ से खींचो ऐसे थोड़ी ना पता लग रही भाई। ये देखो नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग, ये देख लो भाई ट्रैक, कीची कीच हो रही जा रहे चलो। ये बताऊं हमारे साथ आज अबरार भाई नहीं है ना, तो अबरार भाई ये है हमारा आज। तालियां कम। ओ भाई मुझे भी इतना समय हो गया चलते हुए। हाँ मैंने किसी गाड़ी में ठोकी, अधिकतर मेरी गाड़ी ठोकी। देखो फाइनली आज की अचीवमेंट हमारी पूरी हो गई, ये हमको हिरन मिल गया। भाग गए यार ये तो, भाग गए तो फुटेज ही नहीं थी यार। थोड़ा गाइस सबके भाव बढ़ रहे हैं भाई, शेर की तो चलो चलती है वो नहीं मानता, हाँ ये भी नहीं मान रहे, गए अंदर की यहीं पे गए भाई, यहाँ पे थे बिल्कुल, यहाँ पे ये जा रहा दिख गया शायद कैमरे में, दिख गया शायद यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे हाथी भी है शायद, हाथी भी है यहाँ पे, हाथी है बट अभी उनकी पोटी दिख रही है बस। अभी वो दिखाएंगे गाइस आपको, वो जैसे हमारे यहाँ पे उपले पत्ते हैं ना ऐसे पत्ते पड़े हैं। हाँ बात तो ये भी ठीक है, बात तो फिर डिनर करते हैं लोग। हाँ चीजें नहीं दिखाते आप भी कुछ यार, वो काम की चीज़ तो दिखा। ये जले कैसे पड़े हैं साइड में पेड़ वगैरह, यही तो बताई। अच्छा बताई थी यार, जो कुराना की बात सुन रहा है बस उसकी बात करूंगा। मैं मोगली के चक्कर में घूम रहा हूँ, उसके चाचा सब्जी लेने जाते होंगे सुबह सुबह हमारे यहीं दिख जाए यार। ये तो हरियाणा में, ये देखो भाई पिकॉक देख लो गाइस, पिकॉक ये देखो, पिकॉक भी कॉलिंग नहीं दे रहे भाई आज। टुडे इज अ वर्किंग डे मंडे, सब अपने अपने कामों पर जा रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, वो क्या करे इतनी फुटेज ही देते रहे, उनका काम नहीं है क्या, उनको घरवान नहीं देखना, ये बात उनके बच्चे भूखे भूखे बैठे होंगे अगर। सही बात है भाई, ये भूचान जो कह रहा ना सच कह रहा, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। बाकी हम आ चुके हैं गाइस एक और ऑफ रोड ट्रैक पे, ये देखो झाड़ियाँ रणथंबोर और ये देख लो भाई लंगूर, देख लो लंगूर, ये सही बात नहीं है, माफ से गुस्सा हुआ। ये मेरा मोबाइल ना ले जा बेटा, बहुत कंटेंट बना दिया। आ जा बेटे, हम ये चले बेटे, मथुरा वाले नहीं। अच्छा वो तो सिर पे बैठ के चश्मा ले जाते हैं, मेरा ले गया था रूटी बैग नहीं पड़ी थी जब दिया था ये सब बताया सर। फंस गई भाई देखो, तो भाई टाइगर की सर्च में हो गया है पंगा, हमारी जिप्सी फंस चुकी है भाई। ये देखो नहीं चलने दो, लो बैक लो, 4L में बैक लो, टायर सीधा करो, फोन तो सीधा भाई, खतरनाक सीन हो गया यार।
पीछे ही लो, पीछे सूखा है, पीछे लो। चलो जिप्सी तो आई कम से कम यार रेस्क्यू के लिए, जब उतनी बढ़ेगी वैसे क्या लगी आगे नहीं। हाँ बस 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 बस, जाने दो जाने दो, पीछे जाने दो, सूखा है पूरा। चलो 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 भाई देखो इधर कितना तगड़ा स्लश बन गया ये देखो, गाड़ी पलटने को होगी थी एक बार को, ये देखो। हाँ भाई हम डेली का, हमने आपको मजाक में थोड़ी बताया था हम ऑफ रोडिंग करते हैं, पलटा के हमने एक्सपीरियंस ले लिया था। अच्छा बकुल भाई एक्चुअली क्या, जैसे आपने गाड़ी आई ना इस पे स्लश पे, तभी मैंने बोल दिया था नीचे मत लो रोड पे, वो पलटने के भी चांस हो जाते हैं अगर थोड़ा और ज्यादा अंदर चली जाती स्लश, हटता मिट्टी हटती हमारी गाड़ी। मैंने ना किनारे सर, क्योंकि एक बार गाड़ी ठोक चुकी है मैंने, कोई गाड़ी फुट उड़ गई उड़ गई। ये देखो शॉट यहाँ पे दिया भाई, राजस्थान वाले भाइयों ये देखो, अब देखो तरीके से क्यूट है। हाँ लाइक इट। ये देखो ये भैया को इन्होंने पूरी फुटेज दे दी आज। तरीके से रूम मिल जाते हैं आपको जिम कॉर्बेट में ना, जोन के अंदर। और ये सामने बना हुआ है भाई ट्री हाउस, ये देखो ये देखो ये है ट्री हाउस। यहाँ पे क्या है ना अपना रो, हाँ। रो फूड वगैरह ले आओ, अपना कुकिंग भी खुद कर सकते हो, नाइट स्टे तो है ही जंगल की। अच्छा खाना खुद बना यार, हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ हम खुद का कुक कर ले। गवर्नमेंट की कैंटीन है। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे कैंटीन नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ तो खुद कुक करना पड़ता हो। इन्होंने सारी फेंसिंग कर रखी है भाई, इधर अपनी गाड़ी लग जाए यार इनकी कैंपिंग, क्या मजा आ जाएगा यार। इन्होंने तो फेंसिंग कर रखी, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, तो नहीं आता होगा जानवर है ना। पर यहाँ हमारी गाड़ी कैसे आने देंगे, पर्सनल गाड़ी नहीं आने देंगे, जिप्सी से आगे अलाउड नहीं करते ना जोन में। नॉर्मल वैसे वाला टेंट ला सकते हैं, हाँ ग्राउंड ला सकते हैं, ग्राउंड टेंट। बट हम करते हैं कार कैंपिंग तो वो नहीं ला सकते ना भाई। ट्री हाउस ऐसे रहते हैं भाई अंदर, ये देखो जिम कॉर्बेट के अंदर। ये एक्सक्लूसिव चीजें दिखा रहा हूँ यार मैं अपने व्लॉग में ना, कोई नहीं दिखाएगा आपको, जो कि निशांत पाठक दिखा रहा है आपका द इंडियन ओवरलैंडर्स। ये देखो इस वाले पेड़ पे भी रह सकते हैं, बट यहाँ पे भूचाल वगैरह रहेगा और यहाँ पे मैं। ये वाला पेड़ कैसा रहेगा प्लान, ये वाला पेड़ कितना बड़ा ये देखना, यही तो है, इसी पेड़ से सपोर्ट मिल रहा है इसको, इस पेड़ से सपोर्ट मिल रहा है इसको है। अच्छा 5500 रूपए, बाकी इसके अंदर दो रूम है, ये ओल्ड एफआरएच है। अच्छा 1912 का बना हुआ है, 1912 का ये वाला। ओके अच्छा ये वही गेट आ गया जो आप बता रहे थे, यहाँ से एंट्री होती है ना, ड्राई फॉरेस्ट है तो इसके पीछे एक वाटर होल है। अच्छा वाटर होल है तो ऊपर शीशे लगे हुए हैं, मिरर है पूरा पीछे की। अच्छा वो दिखाई देता है वहाँ से भी, मतलब बढ़िया रहता है। बाकी रात में क्या रहता है, अलार्म कॉल सुनाई देती है, टाइगर की रोर, अदर्स एनिमल का साउंड, बिल्कुल जंगल के बीच में है। कि आप यहाँ पे रुके हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप जाके उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ आपने रात में मूवमेंट देखा है। अच्छा। ये चांस रहता है जंगल। भैया ने कह दिया मेरी तो स्प्राइट की बोतल भी डर गई। एक मिनट जा, अभी जा, एक मिनट जा। भाई अभी ना टाइगर दिखा है जस्ट अभी, एक गाड़ी ने हमको बताया है, और वहाँ पे हम थंबनेल खींच रहे थे फोटो, और उनको वहाँ पे टाइगर स्पॉट हो गया। अभी उसी डायरेक्शन में एक बार जा रहे हैं हम लोग, एक बार देखते हैं अगर मिलता है भाई, किस्मत वाली बात है, मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मतलब वो गाड़ी हमें देख रहे थे और हम मतलब हमारे सामने से ही निकले हैं, वहाँ पे हमने थंबनेल के लिए फ़ोटो लिया है और वहीं से जस्ट वहीं से निकला, हम आगे निकल गए। ये वाली जगह बड़ी गंदी है यार, ये देखो गाड़ी पूरी। हाँ इधर से ही तो आए हैं हम, ये पीछे वाले पॉन्ड पड़े थे। ये आप ही बताओ क्या थी, मतलब जो टाइगर्स जो अभी देखी, अभी चार गाड़ी है जो बता के गई है, चार थे वो। अभी हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे जब आप फोटो खींच रहे थे ना यहाँ पे। हाँ तो टाइगर्स तीन बच्चे हैं उसके, थंसा बच्चे हैं। अच्छा जैसे ही हम निकले हमारा केवल 10 मिनट का फर्क पड़ा है, जैसे हम निकले वैसे ही वो दूसरी गाड़ी को दिख गई। हम थोड़ा आगे आगे ना, अलग आगे बस यही हो गया, कोई नहीं देखते हैं। इसी का ना, इसीलिए अगर नाइट स्टे करते ना तो 101% बंदा टाइगर देख के ही जाएगा। फोटो खींच देखो वो चार्ज करेगा।
अब आए तो भाई टाइगर का ना एक ही गेम है भाई, जिसकी किस्मत में होगा ना उसी को दिखेगा। तो भैया यहाँ के गाइड है, आप बताओ हाँ। टाइगर आसान है या लेपर्ड आसान है? सर देखिए टाइगर का ये है ना, अगर कॉल हुई तो ठीक है हाँ। लेपर्ड का ऐसा एक बार दिख गया हाँ, फुटेज नहीं देता नहीं देता बिल्कुल, एक जगह पे स्टेबल रहेगा ही नहीं, बहुत साथी रहे, बहुत चतुर कहते हैं ना जिसको, क्लेवर हाँ। वो रहता है लेपर्ड। अरे मैंने सुना था वो एक लोकल बंदा था यहीं का, वो कह रहा मैंने आज तक लेपर्ड नहीं देखा यहाँ पे, मैं देख नहीं पाया, मैं चाहता हूँ लेपर्ड देखना। सर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, इस जोन में मेरे को 1.5 साल हो गए हाँ। मैंने लेपर्ड अभी ठीक से नहीं देखा यहाँ पे। अच्छा हाँ, मतलब एक बार आया स्टेबल, मतलब एक जगह पे दिखा मुझे वो, उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ, अलग झपकते अलग झपकते गायब, और उसको मतलब कैमोफ्लाइज बहुत जल्दी हो जाता है वो हाँ। बहुत जल्दी, मतलब वो पत्ते के पीछे छिप जाता है। तो भाई ये बाकी मैं वीडियो लगा दी है मैंने इसी व्लॉग में, जो वो सारे हैं जिन्होंने हमें दिए जयपुर वाले, बाकी अगर आपने देख लिया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, और सर को हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना, अगर वो वीडियो पे कमेंट भी करते हैं तो मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को, ठीक है। बाकी अब चल रहे हैं हम सीधा एग्जिट की तरफ और देखते हैं, और क्या अगर बीच रास्ते में भी कुछ मिल जाएगा तो किस्मत वाली बात है, दिखा देंगे आपको आगे भी। मैं तो ये लेकर जी, अब हो गया अपना जाने का टाइम, सेठी भैया इजाजत दो, सेठी भैया रुकेंगे जिम कॉर्बेट में, ऐसी टी शर्ट ले लो शेर वाली, अरे लेने की जरूरत क्यों है भैया, अपने वाला फोटो ही प्रिंट करा देंगे बाद, बाद। तो भाई सेठी भैया को यहीं छोड़ के जा रहे हैं हम, सोनू भाई आ गए हमें बाय करने के लिए, इजाजत दो, जल्दी करनी है आपको, जल्दी करेंगे देख लो जल्दी जल्दी, अभी तो हम काम नहीं होता ना, अभी तो हम लुधियाना का करेंगे, लुधियाना का प्लान करेंगे, लुधियाना का ठीक है सेठी भैया, मिलते हैं जल्दी से, एक इसके साथ वो छोड़ देते हैं इनका, कासिम भाई हाँ ओके भूचाल वो नहीं रह जियो, मैं कह रहा हूं मुझे मत छोड़ के जाओ, मान नहीं रहे भाई को तो यहीं छोड़ दो, उसका भूचाल यहां भी मचाने दो यार। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं भाई घर के लिए, और यहां से अपने को लगने वाले हैं 5 घंटे घर पहुंचने में, तो भाई कॉन्टिन्यूस ड्राइव रहने वाली है अपनी, और बहुत मजेदार रही यार ये वाली ट्रिप है ना, ये ट्रिप मजेदार रही, शानदार रही, डरावनी रही, एक्साइटमेंट भरी रही, मतलब ये लगा लो इस ट्रिप में जो कुछ भी था ना, नेचर की फील थी, दिल खुश हो गया एकदम, इतना मजा आया ना भाई, मैं जिम कॉर्बेट पहली बार आया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मेरे को मैं नेक्स्ट मंथ जितना जल्दी हो सके दोबारा वापस आऊँ, अलग लेवल का एडिक्शन है जंगल कॉर्बेट, कॉर्बेट से भाई प्यार हो गया है, ऐसा लग रहा है कि भाई इसको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर क्या करें भाई जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अपने करनी पड़ेंगी, पर भाई कॉर्बेट मुझे लग रहा है जल्द ही वापस बुलाएगा, और इस बार इससे भी धमाकेदार अपनी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था भाई, मेरे को पता नहीं था क्या कैसे करना है, अभी जो गए हैं भाइयों के साथ इतनी नॉलेज मिली है, इतना जंगल एक्सप्लोर किया है, लेपर्ड देखा है, लेपर्ड 15 मिनट तक लेपर्ड देखा है भाई, वहाँ के लोकल लोग जो वहाँ रहते हैं ना वो कहते हैं हमें इतने साल हो गए, एक बंदा था 30 साल की एज हो गई थी उसकी, उसने आज तक लेपर्ड नहीं देखा हम पे, जंगल को फील करना बहुत जरूरी है, और एक अलग ही लेवल से फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में हमने जंगल को एक्सपीरियंस किया है, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी हम कब करेंगे, तो ये एडवेंचर अलग ही लेवल का हो गया। भूचाल बॉयज क्या कहना चाहोगे इस बारे में, कैसा रहा आपका टूर? मस्त रहा भाई, नदी से लेके जंगल से लेके जानवर से लेके हर चीज देखी भाई, काम करो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट दोस्तों, मजे लेते रहो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।